चाट खाना किसे पसंद नहीं है, और वो भी अगर हेल्दी और इंस्टेंटली घर पर ही बन जाए तो फिर तो क्या ही बात है। आज हम बनाने जा रहे हैं चना चाट, एकदम चटपटी मसालेदार, बहुत ही यमी सी। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल बटन दबा दे ताकि अगली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो यहाँ मैंने काले वाले चना लिए हैं, ये बॉयल हैं। मैंने इन्हें रात भर भिगोकर रखा था और सुबह इन्हें मैंने प्रेशर कुक कर लिया 3 विसल्स लगा के, और थोड़ा सॉल्ट भी डाला था कुक करते समय। इसमें हम फाइनली चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को आप एकदम फाइनली चॉप करें तभी अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद हम इसमें फाइनली चॉप किए हुए टमाटर डाल देंगे। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। इसके बाद मैंने फ्रेश पुदीने के पत्ते लिए हैं, इन्हें मैंने फाइनली चॉप किया है, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है चाट में, तो इसे भी हम डाल देंगे। नेक्स्ट हम इसमें उबला हुआ आलू डालेंगे, इसे छोटे पीसेस में मैंने कट कर लिया है। ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आलू आपको पसंद है तो आप डालें, नहीं पसंद है तो ना डालें। अब हम इसमें थोड़ी कटी हुई हरी मिर्च डाल देते हैं। इसके बाद इसका टेस्ट और एनहांस करने के लिए मैं इसमें ग्रीन वाली चटनी डाल रही हूँ, जो चाट वाली ग्रीन चटनी आती है धनिया पुदीने की, वही वाली। अब भुने हुए जीरे का पाउडर इसमें डाल देंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट इसमें डालेंगे काला नमक। काला नमक डालने से चाट में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि काला नमक आप ज़रूर डालें। और अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। चाट बना रहे हैं और चाट मसाला ना डालें ऐसा तो हो नहीं सकता, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा कर लें। इसके बाद मैंने इमली और गुड़ की चटनी बना कर रखी है, इसे इसमें डाल दूंगी, इससे काफ़ी चटपटा सा टेस्ट आएगा चाट में। और अब हम इसमें डालेंगे फ्रेश हरा धनिया। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप एक बार मसाले टेस्ट कर लें, कुछ कम ज़्यादा लगते हैं तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और डाल सकते हैं। अब नॉर्मल वाला सॉल्ट थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ मैं इस पर। एक्चुअली चना को प्रेशर कुक करते समय भी मैंने इसमें सॉल्ट डाला था, इसलिए थोड़ा सा ही डाल रही हूँ। और ये लीजिए नमक मिक्स कर लिया है मैंने। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा नींबू का रस, तो मैं एक नींबू का रस इसमें डाल रही हूँ। और इसे भी क्विकली एक बार मिक्स कर लेती हूँ। तो ये लीजिए चाट बनकर रेडी है, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो इसे मैं पेपर का एक कोन बनाकर सर्व करूँगी, जिसे ठेले पर मिलता है वैसे ही, लेकिन मैं न्यूज़पेपर से नहीं कर रही हूँ, उसमें जो इंक होता है फूड में एब्जॉर्ब हो सकता है इसीलिए। तो चलिए ये कोन बनकर रेडी है, ऐसे ग्लास पे मैं रख देती हूँ और इसमें हम हमारी चाट डाल देते हैं। तो ये चाट डाल दी है मैंने, अब इसमें थोड़े से फ्रेश धनिया ली उसके साथ हम इसे गार्निश करेंगे। और अब हम इसमें थोड़ी सी सेव डाल देंगे, सेव के साथ इसे गार्निश कर लेते हैं। मेरे तो मुंह में अभी से पानी आने लग गया है। और लास्ट में इसमें एक नींबू की स्लाइस रख देंगे। तो ये देखिए चटपटी मसालेदार हेल्दी सी चाट बनकर रेडी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।